नीमच में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं देखा गया है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर बढ़ते हुए मरीजों को जिला चिकित्सालय की दवाइयां ना देते हुए बाहर के मेडिकल की दवाइयां लिख रहे हैं, जिसको लेकर गरीब आदमी उन दवाइयों को लेने में असक्षम है। वहीं इस व्यक्ति ने कहा कि जिला चिकित्सालय में अपना उपचार कराने आया था और वहां पर ड्यूटी डॉक्टर को मिला, जब दिखाया तो उन्होंने मुझे जिला चिकित्सालय की दवाई ना देते हुए बाहर के मेडिकल की दवाइयां लिख दी, जिसका मूल्य करीब 6000 रुपए है। अब ऐसे में मैं गरीब आदमी के पास रुपए होते तो मैं प्राइवेट चिकित्सालय जाता, सरकारी में क्यों आया? इस आपदा की घड़ी में सभी लोग मरीजों को लूट रहे हैं। मैं नाम सुरेश मेरा जी है, इंदर नगर से लेता हूँ। मेरी मुझे भर्ती है अस्पताल में, डॉक्टर लोकल डॉक्टर बोलते हैं दवा बाहर लिखी, वो दवा मैं ला नहीं सकता, गरीब मेरी कमाई 6000 रुपए। किसने लिखी, कौन से डॉक्टर ने लिखी? डॉक्टर यादव साहब, उन्होंने ये बोला कि बाहर के ले आओ जल्दी ठीक हो जाए, बाहर से लाना है ऐसा बोला। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।